अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका खादिम मौला शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिन्नात के काले साए में। तो दोस्तों, ये एक कमरा आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है, आज हम बाहर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हम इस कमरे के बारे में जाएंगे और इसी के बारे में आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस कमरे में है और क्या कुछ नहीं है, क्या बात है इस कमरे में। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे कुछ है ऐसा बताया जा रहा है जो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, हम इसको देखेंगे। तो ये कमरा एक देखें ड्राइंग रूम में बना हुआ। तो यहाँ पे ये है कि रात को जब सब घर वाले सो जाते हैं तो यहाँ पे अजीबोगरीब सी कुछ आवाज़ें आती हैं और ये घर वाले बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। और मैं यही देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि क्या कोई सचमुच ऐसी चीज़ या कोई है, कोई ऐसी बला है जो ऐसी आवाज़ें या कोई बात करती है तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पे अभी तो कोई हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे बच्चे अक्सर खेलते हैं और अक्सर ये बच्चे बच्चे यहाँ पे आते जाते रहते हैं अंदर कमरे में इधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का ये देखें पर्स वर्स और ये कपड़े शपड़े सब बच्चों के ही पड़े हुए हैं, जूते भी बच्चों के हैं इधर, यानी कि ज़्यादा टाइम बच्चे इधर गुजारते हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसे ही बच्चों के साथ भी खेलती हो या कोई बच्चों को पता हो इसके बारे में। लेकिन ये है कि रात के टाइम पे कुछ ऐसा होता है यहाँ पे और हम ये देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ है कोई जो कि यहाँ पे होती है। पे बहुत सामान पड़ा हुआ है इनका, यहाँ पे कोई सामान ऐसे पड़ा हुआ है इनका बिखरा हुआ। और भी बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ सामान इनका, देख सकते हैं कि ये भरा हुआ घर है, हर चीज है, बच्चों का ड्रेस वगैरह ये वो सारा कुछ इधर होता है। यहाँ पे बच्चों का सामान है और यहाँ पे ज़्यादा टाइम बच्चे गुजारते हैं, बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं तो कंफर्म है। लेकिन ये है कि अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ ना ही तो कोई दिखाई दी है ना किसी की आवाज़ आई है। लेकिन ये है कि यहाँ पे कहते हैं कि इसमें आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा और हम ये देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें आवाज़ आए या कोई चीज़ ऐसी हमें दिखाई दे कि हम उसको नाज़रीन को दिखा सकें। लेकिन फ़िलहाल हमें कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही, ना ही किसी चीज़ की आवाज़ें आवाज़ आई अभी। अभी आवाज़ आई थी यहाँ पे, अभी ये पता नहीं कि कहाँ से किधर से आई है लेकिन आवाज़ ज़रूर आई है। फिर आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से,
ऐसे ही आवाज़ें आती हैं अक्सर यहाँ पे किसी चीज़ की, और ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे खौफ डर होता है, और हम यही देख रहे हैं कि हमें कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे। कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अक्सर अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी तक तो रोशनी है क्योंकि घर वाले एक कमरे में चले जाते हैं, तो यहाँ पे अकेली जगह हो जाती है बिल्कुल, और शोर शराबा जो है ना बहुत कम हो जाता है, तभी जो यहाँ पे आवाज़ें आती हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घर वाले सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये हमें बुलवाया है ना तो हम देखने के लिए यहाँ पे आए हैं कि कोई से चीज़ या कोई है, लेकिन पूरा घर बाकी ठीक है। कहते हैं कि यही कमरा एक है और इसी कमरे में हमारे आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन बाकी कमरे में बिल्कुल किसी में भी कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी कमरे के बारे में बताया गया और हम इसी में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कुछ चीज़ हमें सुनाई दे, लेकिन अभी तक हमें किसी चीज़ का दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ें हमें एक दो दफ़ा आ चुकी हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई आवाज़ आए हमें। ओपनली बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल दरवाज़ा ही देखें, खिड़की में खिड़का लगा हुआ है आगे, लेकिन ये है कि बाकी दरवाज़ा सारे बंद है। मैं ये भी बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि बाहर की कुछ आवाज़ें जो हैं वो नापसंद कर रहे हों और हमसे को बात करना चाहे तो बात कर सकता है। कोई है यहाँ पे? कोई चीज़ भी है यहाँ पे जो हमसे बात करना चाहे तो कर सकती है? कोई चीज़ है यहाँ पे जो हमसे बात करना चाहे तो कर सकती है? हम बात सुनने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, आपकी मदद करेंगे, आपकी आपकी हेल्प करेंगे, कोई नुकसान हमें ना पहुँचाएं और हम आपको नुकसान नहीं को पहुँचाएंगे। अभी तक कोई आवाज़ या कोई चीज़ हमें किसी चीज़ की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही। इनके आस पड़ोस में जो है लोग जाग रहे हैं, कोई मसला है उनके घर पे तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। हम देख रहे हैं हमारी टीम के जो साथी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी कमरों में भी देख रहे हैं कि कोई चीज़ है या नहीं यहाँ पे, वो ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो मिल जाए उन्हें। लेकिन ये है कि अभी तक तो हमें कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिली, ना ही किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये है कि कमरा जो है बहुत ज़्यादा खौफज़दा बना हुआ है, शायद कोई चीज़ ऐसी हो कि जो
दिखाई ना देना चाहे और या बात ना करनी चाह रही हो हमसे, या कुछ का दिन हो या कोई टाइम टेबल हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि हमें अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी ना ही तो सुनाई दी है ना कोई दिखाई दी है। काफ़ी टाइम हो चुका है हमें, हम शूट करने से पहले भी जो है ना अपना करते हैं, तस्दीक कर लेते हैं किसी चीज़ की, या कोई बात ऐसी हो तो एंड टाइम पे शूट करना शुरू करते हैं कि जो नाज़रीन को दिखाना हो तो, या फिर वो चीज़ ना आए तो एक अलग बात है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो चीज़ हमें नहीं यहाँ पे शो होना चाह रही या नहीं वो हमारे सामने आना चाह रही, तो उसका वेट करेंगे हम, कैमरे सेटिंग करेंगे और देखेंगे कि कोई चीज़ हमें यहाँ पे आके या कोई दिखाई दे तो हम उससे कोई बातचीत करें, या कोई ऐसी हो तो हम नाज़रीन को दिखाएं। तो नाज़रीन मैं टाइम काफ़ी हो गया है लेकिन कोई चीज़ ऐसी हमें दिखाई नहीं दी, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और ध्यान रखा करें, और बच्चों को अकेला मत छोड़ा करें किसी जगह पे भी, ख़ास करके कोई खाली जगह हो तो हम इजाज़त चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।